पप्पू राम राम। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सांसे भूल गई। पाठक है हमारे सुपरमैन खट्टे खट्टा लेके आ रहे इसमें कद्दू लौकी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केम छो मतलब मजा माँ, फुल पावरफुल इंजॉय में फुल पावर होना चाहिए। बाकी तुम्हारा भाई आज 6 बजे उठ चुका है। क्यों उठ चुका है? क्योंकि आज से तुम्हारा भाई करेगा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करेगा। पर आज ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो बॉडी ना बहुत दर्द होती है। और आज सूर्यदेव बहुत प्यारी तरीके से निकल रहे हैं यहाँ से, अभी दिखेंगे नहीं, आपको दिखाऊंगा। सूर्यदेव निकल रहे हैं और ये जो सुबह सुबह का सूरज होता ना, इसमें मिलता है विटामिन डी। आप दोपहर की धूप में जाओगे तो उसमें विटामिन डी नहीं मिलता, जो ये रोशनी आ रही है इसमें विटामिन डी मिलता है। और इसमें सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। जब आपके सामने सूरज होता है ना, आपके सामने आपको फेस कर रहा होता है, तब आपको सूर्य अर्पण करना पड़ता है, जो जल चढ़ाते हैं सूरज जी को। तो ऐसा माहौल है। सबसे पहले मैं करूँगा मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान एक तरफ नहीं हो पा रहा, तो मेडिटेशन करूँगा। तो बाकी एक और नया दिन, एक और नई कहानी। आज दिनांक 25 सितंबर 2023, सही है, 2023 हो चुका है। बाकी मेडिटेशन वगैरह करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। आज हमें थोड़ा पहाड़ की तरफ जाना है, पाठक जी के भाई के ससुराल गांव की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 50 किलोमीटर होगा, तो 50 किलोमीटर ही होगा, उससे कम ही होगा। तो वहाँ जाना है पहाड़ की तरफ, तो वो भी है। आज से रोज संकल्प लिया है मैंने, संकल्प कि मैं रोज 6 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज करूँगा। मैं काफ़ी दिनों बाद उठाऊँ 6 बजे, तो मिलते हैं, करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। तो मेडिटेशन से शुरू करते हैं। भाई लोगों, मेडिटेशन हो चुकी है, पूरी 10 मिनट की हुई। अब करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो नशे पसे इतने दिनों से अकड़ी हुई हैं वो खुल जाएंगे। फिर उसका जब एक्सरसाइज करोगे तो इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो बातों को, फीलिंग्स को समझ रहे हो। तो भाई एक अलग सी, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था ना, एक अलग सी ऊर्जा सी आ रही थी। क्या से फील मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं मंदिर में भी करता हूँ 5-10 मिनट ओम नमः शिवाय अंदर से ही, मतलब बोलता नहीं हूँ बट ओम नमः शिवाय का जप करता हूँ और आँख बंद के करता हूँ, तो बॉडी वाइब्रेट करनी पड़ती है। पर आज जो मेडिटेशन करी मैंने वो अच्छा है। हमारे पूर्वजों ने बनाया है मेडिटेशन, तो किसी वजह से बनाया होगा, तो ऐसा सीन है। अभी थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ, हल्की फुल्की नसें पसे खींचता हूँ।
अब मारेंगे, अब करेंगे एक्सरसाइज, पुशअप वगैरह मारेंगे, सेट मारेंगे, दो दो तीन तीन का, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि दर्द हो जाएगी। पाँच पाँच के सेट मारूँगा, पाँच का एक, पाँच का एक, पाँच का एक। तो पहले मारते हैं पुशअप्स, फिर उसके बाद करेंगे प्लैंक वगैरह, जो भी पेट की एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि पेट बहुत बढ़ गया है भाई। गाइस, भाई लोगों, एक्सरसाइज डन, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो अगले दिन कल सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो डंबल संबल मार लिए, तीन सेट पुशअप्स के मार लिए, ठीक है, मतलब चार सेट पुशअप्स के मार लिए, 20 ये मार लिए, क्रंचेस, ये क्या होता है, क्रंचेस मार लिए, और प्लैंक कर लिया, और 10-10 के दो सेट दोनों हाथ के, डंबल मार लिए, बहुत है आज के लिए। तो अब जाता हूँ, नहाता धोता हूँ थोड़ी देर में, फिर उसके जाता हूँ सीधे मंदिर भोलेनाथ को स्नान करवा के, फिर 8 बजे तक निकलना है, टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं। भाई लोगों, आ चुके हैं मंदिर से, पहले अपने घर पे पूजा करी, ठीक है, पूजा घर पे, फिर मंदिर गया, मंदिर में जल वल चढ़ा के अपने जप वप करके आई एम कमिंग होम, क्योंकि घर वाले इतने जल्दी नाश्ता बनाते नहीं हैं। तो ये मंडवी की रोटी है, उसे चूर के, समझ रहे हो, चूर के तेल डाल के, हल्की सी चीनी डाल के खा रहे। मंडवे की रोटी में काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स, काफ़ी प्रोटीन, प्रोटीन नहीं मतलब मुझे इतना नहीं पता का, पर काफ़ी हेल्थी होती है, पहाड़ों में होती है, काला आटा होता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोटीज इन द वर्ल्ड, समझ गए, चपाती, चपाती बनी हुई थी, चपाती को सब्जी मम्मी अभी बना रही है कि लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे जाना है, 8 बजने वाले हैं, 7:50 हो गए, जल्दी फिनिश करता हूँ ये खा के, फिर उसके बाद मिल्क पी के एक गिलास, फिर बढ़िया हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं। भाई लोगों, निकल चुके हैं पाड़ा की दुकान से, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, अभी निकलते हैं, अभी कॉलोनी में ही, कॉलोनी से बाहर नहीं आए, सामान ले रहे हैं पाड़ा जी अपने भाई के ससुराल के लिए, इनका भी ससुराल ही हुआ, भाई का ससुराल है तो हमारा भी ससुराल है। बाकी चलो ठीक है, रास्ते में मिलते हैं, अभी हमें जाना कम से कम 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का ट्रैवल होगा एक तरफ का, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं रास्ते में। भाई 40 किलोमीटर राइड कर ली है, और कितना किलोमीटर और रह गया, यहाँ मुझे जाना है सैंडली गाँव, यहाँ से अभी 55 किलोमीटर और रह गया है, बाकी बढ़िया गल्ला माहौल, 55 तो नहीं है यार, यहाँ कम होगा, 55 नहीं होगा, 30 किलोमीटर और मान लो, जितना भी है पहुँच जाएंगे, अभी रेस्ट मार रहे हैं थोड़ा, 40 किलोमीटर गाड़ी राइड कर लिए वाड़े की ने, और सेल्फी चल ली है बस, मतलब एक नंबर है, एक नंबर, बाकी सही है। हमारा गांव का रास्ता दिखाओ, ये पार्ट, ये मेरे गांव को जा रहा है, हरड़ा को रास्ता, हरड़ा भवन खाल मछोड़ होते हुए, और ये चिमटा है, चिमटा खाल पे हम रुके, सामने बोर्ड देखो हुआ, चिमटा खाल लिखा हुआ है, और ये रास्ता सीधा जा रहा है, दिखाओ पीछे जो ये मरचूला गढ़वाल होते हुए जा रहा है,
हमने इधर को जाना है फिलहाल। फिलहाल अभी तो यहाँ का रूट है, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं आपको। गाइस रेस्ट करके निकल चुके हैं पाठक जी, अब आगे देखना, आप डिस्टर्ब मत हो भाई, मूत्रा है पीछे भाई, टॉयलेट कर रहा है, सॉरी। और हम निकल चुके हैं 1 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर अभी मरचूला है, मरचूला से हम नीचे वाली रोड पे चले जाएंगे। जो ऊपर वाली रोड जाती है वो मेरे गांव को जाती है, अभी हम चले जाएंगे नीचे वाली रोड पे, आपको दिखाएंगे मरचूला जाके, मरचूला का भी व्यू दिखाएंगे आपको। राम सामने ये मरचूला है, नीचे रामगंगा चल रही है, ठीक है ना, अभी दिखाते हैं आपको गाइस। यहाँ भाई शूटिंग चल रही है, भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं मरचूला, ये आ चुका है मरचूला का पुल, और ये हमारी रिवर रामगंगा रिवर है भाई लोगों ये, और ये मरचूला टाउन आ चुका है। और ये देखो जो ये वाला कोन दिख रहा है ना, ये ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर मगरमच्छ आ जाता है, अब कह रहे हैं कि चले गया यहाँ से, बट कभी कभी आ जाता है, यहाँ बैठ रहता है, गोल सा दिख रहा है आपको सिस्टम बढ़िया उसका, ये यहाँ पर वो सनबाथ लेता है मगरमच्छ, समझ रहे हो, सनबाथ उसका बीच है ये। और मरचूला आ गया है, आपको मरचूला का शहर करवाएं, किसका मरचूला, छोले तो भाई जड़ा खान के फेमस है, कभी दिखाएंगे आपको, जड़ा खान के छोले पसंद है, ये आ गया मरचूला, मरचूला भाई लोगों। एक चलेगी ऊपर को रास्ता, ये मेरे गांव को जा रहा है, और हम आ गए हैं नीचे वाली रोड पर, यहाँ से जाएंगे हम कौन से गांव जाएंगे भाई, हम जाएंगे गोली खाल होते सैंडली, सैंडली गोली खाल होते सैंडली, ये देख लो बोर्ड देख लो आप, मानीला वगैरह सब पहुंच जाओगे आप यहाँ से, बाकी यहाँ रिजॉर्ट वगैरह भी हैं, और आप देख सकते हो इको खेत की वीडियो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में डाली हुई है। ओके लोगो, पाठक भूल चुका है रास्ता, कंफ्यूज हो गया है, ठीक है कि यही है सैंडली का रास्ता, यही है, एक बॉर्डर दिखे हैं, हम बॉर्डर से पूछेंगे कि यही है रास्ता, यही है, कंफर्म हो गया यार, ये दीवार दिखते ही दीवार यार, दीवार दिख, ओ माय गॉड कंफर्म हो गया, पूछ लो फिर भी एक बार। लोगो ये सामने आ गया सैंडली गाँव, अभी हम पाठक जी भी रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ये ट्रेल सी दिख रही है आपको, ये ट्रेल से रास्ता से दिख रहा है, इन रास्तों से हम होते हुए पहुंचेंगे सैंडली गांव। पाठक भाई लोगों, मिर्च की फार्मिंग की भी है, मिर्च की भाई लोगों, भोजन हो गया है, बहुत हैवी हो गया है, पाठक जी तो पस्त हो गए खा के, पहाड़ी भोजन हमने खाया, हमने खाया है पहाड़ी व्यंजन, पूरे हर्बल चीजें खाई हैं, भुज्जी, लौकी की सब्जी, दाल, चावल, दही, घी, सोचो कितना आइटम थे। हम निकल चुके हैं वापस घर को, अभी पाठक जी कद्दू ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर कद्दू, पाठक जी कद्दू ढूंढ रहे हैं, वो तोड़,
सही से तोड़। लौकी तोड़ है लौकी। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। पाठक है हमारे सुपरमैन खट्टे खट्टा लेके आ रहे इसमें कद्दू लौकी। ठीक है ना, 3 से 4 किलो का एक कद्दू, 3 कद्दू रखे। 3 मतलब 6, कम से कम 8 किलो कद्दू हैं। ज्यादा ही जो है। हाँ ज्यादा ही जो है। लौकी है। लौकी है 2-3 किलो। देखो तो हमारी 3 से 2.5 से 3 किलो का वजन है मेरे बैग में भी है। जाते देखो सांसें फूल गई हैं। ये कम रहते ना पहाड़ों में तब जाके। भाई लोगों अभी कर रहे हैं हम रेस्ट, ठीक है ना। कमर की होगी है टैटें। बाकी ये एक स्पॉट है कोकोडाइल स्पॉट। कौन सा स्पॉट? कोकोडाइल स्पॉट। वो रह गया मरचुला। अभी 35 किलोमीटर रह गया है रामनगर, ठीक है। तो पहुंच जाएंगे आराम से ना 2 घंटे में। आराम से ही चलना भाई, दौड़ा भागी नहीं करनी। वो चट्टानों में बंदर चल रहे हैं और बाकी माहौल बढ़िया है, नेचर का आनंद ले रहे हैं। और क्या है, बाकी यही है जिंदगी। चलो ठीक है, आप सीधे आपको कहाँ मिलेंगे? घर ही मिलेंगे, ठीक है घर।